ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, सिर्फ जब दानवीर कर्ण स्नान करते थे और उसके स्नान करने के बाद इसी शिवलिंग की पूजा करते थे। ये कितना पुराना है और इसकी डिजाइन और आकृति फूल पत्तियों से बनी हुई कितनी सुंदर है, कितना भव्य ये मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अलग लोकेशन पर लेकर आया हूँ, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में कई बार आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, मैं आज हस्तिनापुर की उस ऐतिहासिक जगह पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये दानवीर कर्ण का मंदिर है। दोस्तों, इसमें दानवीर कर्ण की तो मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे जब दानवीर गंगा जी में स्नान किया करते थे और स्नान करने के बाद सवा मन सोना दान करते थे हर रोज़, तो वे पहले शिवलिंग की पूजा, शिव जी की पूजा करते थे, जो शिवलिंग इसमें आज भी मौजूद है। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसी मंदिर का वो इतिहास। तो दोस्तों, इस प्राचीन मंदिर का ये मेन गेट है और आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं, श्री कर्ण मंदिर जी हस्तिनापुर मेरठ। तो दोस्तों, इसमें लिखा है, इस मंदिर में दानवीर राजा कर्ण सवा मन सोना प्रतिदिन दान किया करते थे। कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल दान किए थे, वह विश्व प्रसिद्ध घटना इस स्थान पर घटित हुई थी। तो दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ पे कवच कुंडल दिए गए थे दानवीर कर्ण को और वह स्नान करने के बाद, शिव की पूजा करने के बाद हर रोज प्रतिदिन सवा मन सोना दान करते थे। तो चलिए हम इसी मंदिर के अंदर आपको लेकर चल रहे हैं। नमस्कार बाबा जी। तो अब फिलहाल मैं उस मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग है। वो ये शिवलिंग जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, सिर्फ जब दानवीर कर्ण स्नान करते थे और उसके स्नान करने के बाद इसी शिवलिंग की पूजा करते थे, इसी शिवलिंग की पूजा करने के बाद वे इसी स्थान पर सवा मन सोना प्रतिदिन दान करते थे। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसकी दीवारें आप देख सकते हैं 2 से 2.5 फुट चौड़ी हो सकती है। इसके अंदर देवी माता जी का स्थान है, मूर्ति है यहाँ पे देवी माता जी की। और इस मंदिर के अंदर भी हम लेके चलते हैं आपको, और ऊपर से दोस्तों आप इस मंदिर को देख सकते हैं, ये कितना पुराना है और इसकी डिजाइन और आकृति फूल पत्तियों से बनी हुई कितनी सुंदर है, कितना भव्य ये मंदिर है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें देखने को हमारी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। जय हिंद, वंदे मातरम।